2019 में लोकसभा चुनाव के गठबंधन टूटने के मामले में मायावती और अखिलेश यादव के बीच विवाद थमता नहीं दिख रहा है। मायावती ने एक बार फिर गठबंधन टूटने के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। मायावती के साथ सतीश चंद्र मिश्रा ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अखिलेश मायावती आमने सामने, कौन सच्चा और कौन झूठा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, किसकी वजह से गठबंधन टूटा। विधानसभा उपचुनाव से पहले यूपी की सियासत में नया संग्राम शुरू हो गया है। गठबंधन में दरार का दोषी कौन, एक बार फिर मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मामले को हवा दे दी है। मायावती ने लिखा कि बीएसपी सैद्धांतिक वजहों से गठबंधन नहीं करती है और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सपा के साथ 1993 और 2019 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन बहुजन समाज का हित और सम्मान सर्वोपरि। मायावती के फौरन बाद बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा भी मैदान में कूद पड़े। सोशल मीडिया पर सतीश चंद्र ने लिखा कि मैं सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन टूटने की वजह सपा मुखिया खुद है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने की वजह बताई तो बवाल शुरू हो गया। मायावती ने पहले कहा था कि अखिलेश यादव ने ना तो उनके फोन उठाते थे और ना बीएसपी नेता और कार्यकर्ताओं की, जिसकी वजह से गठबंधन टूट गया। मायावती की तरफ से ये बात आई तो फौरन अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया, कह दिया कि अपनी बातों को छिपाने के लिए कई बार लोग आरोप लगाते हैं। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। 2019 के चुनावी गठबंधन में बीएसपी को सपा से ज्यादा फायदा हुआ था। इसके बाद दोनों दलों के बीच खटास बढ़ने लगी थी। अब 5 साल बाद टूट की टीस फिर से बाहर निकली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।